अमूल इंडिया का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड है और वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट भी है। अमूल का कोई सीईओ ही नहीं है, अमूल यूएसए जैसे बड़ी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करता है, नहीं पता था ना। तो अमूल स्टार्ट होता 1946 में, उसके पहले लोग पानी पीते थे। आगे बढ़ने वाले क्विज करते हैं। अमूल ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, बट क्या आपको पता है वो इंडिया को टाटा और रिलायंस से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है? नहीं पता ना, भाई वीडियो के एंड में पता लगेगा। वैसे स्टार्ट 1946 में हुआ था, जब इंडिया में मिल्क की काफी ज्यादा कमी थी और इंडिया स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट कराता था दूध, पर आज की डेट में यूएसए जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज को मिल्क एक्सपोर्ट करता है इंडिया। 1946 में सिर्फ 247 लीटर से स्टार्ट किया था अमूल ने। अमूल एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है मिल्क का। मतलब पूरे वर्ल्ड में 22% ऑफ मिल्क का एक्सपोर्ट इंडिया ही करता है भाई, क्योंकि इंडियंस लव चाय। तो जब अमूल स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे कई सारे फार्मर्स मिल्क के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते थे, बट एट द एंड उनको उतना ज्यादा इनकम नहीं मिलता था। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए त्रिभुवन दास पटेल, वल्लभ भाई पटेल और वर्गेसी कुरियन ने मिल के अमूल बनाया, जो कि काफी ज्यादा फार्मर की प्रॉब्लम फिक्स कर रहा था। अमूल का संस्कृत वर्ड अमूल्य होता है और अमूल्य मतलब तुम सबको पता है प्राइसलेस। बट क्या पता है कि अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल नाम किसी बंदे के नाम के ऊपर से नहीं रखा है, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था आनंद। भाई अमूल बटर की टैगलाइन किसको नहीं पता भाई, बादशाह रजवाड़ी अमूल मसाला, यही तो टैगलाइन है। कुछ भी ऐसे जोक सवाल है, आपको ये वाली लाइन तो पता होगी, ये वाली लाइन तो भाई। तो बेसिकली 90s की टैगलाइन थी जो काफी लोगों को पता थी और इसकी वजह से अमूल काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुका था। बट ये लाइन किसने दी थी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो बेसिकली दा कुना और उनकी वाइफ निशा ने मिलके ये वाली टैगलाइन बनाई थी जो आज के दिन में काफी ज्यादा फेमस है, अटली पटली डिलीशियस सब्सक्राइब। अमूल को ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं और इसके ऐसे इंडिया के सबसे बिगेस्ट FMCG बन चुका है। अब FMCG का मतलब क्या है बताता हूँ, इसका मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और अमूल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का टारगेट लेकर चल रहा है अमूल। मतलब उनको पता है कि यार हो सकता है, तो लाइक गुड लक अमूल। अमूल ने जब स्टार्ट किया था तो उसने 247 लीटर से स्टार्ट किया था और आज की डेट में अमूल के पास 39 मिलियन लीटर से भी ज्यादा चाय है। अरे कहना क्या चाहते हो, दूध है वो भी सिर्फ एक दिन का। अमूल का 2021 का टर्नओवर ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ तक था और उनके कॉम्पिटेटर को इंक्लूड करें जैसे कि क्वालिटी वॉल्स, नेस्ले, मदर डेयरी, तीनों को कंबाइन कर लोगे चिल, इन तीनों का टर्नओवर अमूल के टर्नओवर से बहुत ही ज्यादा कम है। ओ भाई मोटिवेशन आ गया मेरे को, तो अब मैं भी खोलूंगा बर्नाविच डेयरी प्रोडक्ट्स। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने कदम पीछे हटा ले। अब बात करते हैं थोड़ी बिजनेस की। तो अमूल स्टार्ट हुआ था मिल्क प्रोडक्ट, बट उसके बाद काफी सारी चीजें उनकी जैसे कि बटर, छाछ, लस्सी, सब कुछ। और आज 2022 तक इनके पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट है। मेरे को दही बहुत ही ज्यादा पसंद है, आई एम अ कर्ड मैन। कंट्रोल कंट्रोल, मैं हर खाने के साथ दही खाता हूँ, क्या आप भी खाते हो कमेंट में बताना। अगर आइसक्रीम की बात करें तो अमूल आइसक्रीम के इस पे भी टॉप पोजीशन पे, और अमूल बटर तो ऑफ कोर्स सबसे आगे, मतलब दूसरा बटर दिखता ही मुझे, सिर्फ एक बटर दिखता है अमूल बटर। और अमूल ने बोला कि 2010 से लेकर 2017 तक इनका ग्रोथ ऑलमोस्ट 238% से भी ज्यादा ग्रो किया है, जो कि बहुत ही बड़ी ग्रोथ है। काफी ज्यादा बिजनेसमैन लोग सोचते होंगे कि यार अब अमूल तो बहुत बड़ा ब्रांड, चलो उनके स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बट भाई मत करना, इसका फैक्ट भी बताता हूँ। अमूल ना ही प्राइवेट और ना ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो आप अमूल के स्टॉक्स खरीद ही नहीं सकते क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे वो है ही नहीं। अमूल इंडिया की 8th सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है, ना ही अमूल एक प्राइवेट कंपनी है, ना ही अमूल एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरेशन है जो कि डेयरी कोऑपरेटिव्स ऑफ गुजरात ने ओन कर रखा है, यानी अमूल के कोई ओनर्स नहीं है, उसके सिर्फ मैनेजर्स है। वैसे आपको लगता है कि अमूल सिर्फ इंडिया में चलता है, वैसे नहीं है, अमूल पूरे वर्ल्ड वाइड बिकता है भाई, ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज में, जैसे कि यूएसए, जापान, चाइना, सिंगापुर, होलैंड, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तो बस 8 या 9 है। अमूल जब भी सुनते हो तो एक चीज आपके दिमाग में याद होगी, जो अमूल के डब्बे पे एक लड़की का फोटो रहता है वो मैस्कॉट किसका है पता आपको, छोटी बच्ची हो क्या, इसका ही है, मतलब छोटी बच्ची का मैस्कॉट। पहले थोड़ा जोक मारने का ट्राई किया, मत करो रन लो। आपको सबको लगता है कि लड़की है भी या नहीं रियल लाइफ में, तो ऐसे नहीं है लड़की, ये सिर्फ हाथ से बनाई कार्टून थी जिसे सिल्वेस्टर डा कुन्हा एंड एस्टियस फर्नांडिस का प्रोनाउंसिएशन काफी गलत हो सकता है, बट ड्रॉइंग काफी तगड़ी थी इनकी वजह से। और इनका मेन इंटेंशन यही था कि काफी ज्यादा लोग इसको कनेक्ट कर पाए लड़की को देख के, इसलिए इसको कपड़े भी उस टाइप के पहनाए गए थे जो मिडिल क्लास फैमिली और नॉर्मल फैमिली में भी पहने जाते हैं। और ये 2016 में मोस्ट हाईएस्ट रनिंग कैंपेन बन चुका था पूरे प्लेनेट में और ये गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है। ये सभी जो पुराने ब्रांड्स हैं ना, इनके कैंपेन काफी ज्यादा तगड़े। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि अमूल रिलायंस और टाटा से भी बड़ा है एक चीज में, तो कौन सी चीज है? तो बेसिकली अमूल रिलायंस और टाटा से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया में। अगर नंबर्स पे आए तो रिलायंस 3 से 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और टाटा 8 से 9 लाख लोगों को देता है, और उसके साथ अमूल जो कि बहुत ही लंबा गैप है वो है 34 से 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। 35 लाख लोगों में से 1,000 लोग मार्केटिंग में से और बाकी के पूरे लोग मिल्क प्रोड्यूसर, मतलब ये सभी लोग पूरे ऑल अराउंड इंडिया में फैले हुए और इंडिया का नाम इतना ज्यादा बढ़ा रहा है
दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, नहीं पता था ना, इसलिए तो हम आए थे आपको बताने बर्न मिर्च में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। छोड़ी पची हो गया।